खबर बलिया जनपद से, जहां एक प्राथमिक विद्यालय के रसोई घर में स्कूल यूनिफॉर्म में कुछ स्कूली बालिकाओं द्वारा रोटी बनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो के बारे में बताया जा रहा है कि ये वीडियो शिक्षा क्षेत्र सीयर के कंपोजिट विद्यालय शमसुद्दीनपुर का है, जिसमें कुछ स्कूली छात्राएं स्कूल ड्रेस में रोटी बनाती हुई देखी जा रही हैं। साथ ही वीडियो में वीडियो बना रहे युवक द्वारा ये आरोप भी लगाया जा रहा है कि विद्यालय पर ऐसे ही छात्राओं से भोजन बनवाया जाता है। तो वहीं विद्यालय की छात्राओं की माने तो वे स्वेच्छा से सीखने की ललक में रोटियां बना रही थी। इससे बल्ले ने बताया कि आपके द्वारा इसकी जानकारी मिली है, जिसकी जांच खंड शिक्षा अधिकारी से कराने की बात कहते हुए कहा, पहले इसे प्रमाणित करता हूं, फिर जो भी इसमें दोषी होगा उसके ऊपर अवश्य कार्रवाई होगी। भेजा तो जाइए देखिए क्या खाना बन रहा है। कौन अशोक यादव, पूनम यादव, महिला सुना है। हाँ, तो अशोक यादव हमको भेजे कि थोड़ा जाइए देखिए, हम यहाँ वहाँ पर राशन वहाँ पे गए रसीद और फोटो सारे इस समय वहाँ पे मार्शल राशन बांट रहे थे। यहाँ पे आए प्रिंसिपल साहब थे प्राइमरी के थे और सारे कर्मचारी थे वहाँ पे। हम डायरेक्ट आए, जो हमको कार्य दिया गया था उस कार्य के लिए आए। कुछ नहीं, कुछ नहीं बताया, ये हम नहीं बताए। कहते कि आप जाइए खाने का जो है फोटो आप भेजिएगा। मैं आया यहाँ पे, बच्चियाँ रोटियाँ मिल रही है, भेड़ को आप पकाया, मैं रोटियाँ यहाँ मिले, मैं वीडियो बना दिया, वीडियो बनाकर प्रधान जी को मैंने भेजा। वीडियो वायरल हो रहा है, ये सर कुछ बच्चे उसमें खाना बना रहे हैं, ये कहाँ के वीडियो है सर, पूरा मामला क्या है? ये अभी आपके द्वारा मुझे दिखाया गया है, मैं इसको देख रहा हूँ अभी, खंड शिक्षा अधिकारी तुरंत इसको मैं प्रमाणित कराता हूँ और उसके बाद तुरंत मैं इसमें कार्रवाई करूंगा। ये कौन से ब्लॉक खंड में आता है सर ये विद्यालय और कहाँ पे स्थित है? कहाँ बताए आप? सीयर ब्लॉक का है। सीयर ब्लॉक का है क्या सर? अगर ये प्रमाणित होता है तो इनके विरुद्ध कार्रवाई किस तरह की होगी सर? मैं इनके खिलाफ जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी करूंगा, पहले अभी इसको जस्टिफाई करा लूं खंड शिक्षा अधिकारी कहां तक कैसे इस मामले में लोग लिप्त हो गए किस हिसाब से, क्योंकि प्रायः देखा जा रहा है कि बच्चे भी मनमाना पता नहीं कैसे कैसे पहुंच जा रहे हैं, तो उसको ही मैं दिखवाऊंगा अभी हेडमास्टर की लापरवाही कहां तक है और खंड शिक्षा अधिकारी ने इसके लिए क्या दिशा निर्देश दिए हैं, क्योंकि हम लोगों ने यहां से जिले स्तर से सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को, हेडमास्टरों को और रसोई अध्यापकों को सभी को निर्देश दिए गए हैं कि ऐसी घटनाएं इस तरह की कोई भी संज्ञान में ना आए, अन्यथा की स्थिति में जो भी उचित कार्रवाई होगी आपके खिलाफ की जाएगी। ठीक।